इसी बीच एक बड़ी खबर है, वाराणसी से ज्ञानव्यापी विवाद पर आज की सुनवाई पूरी हो गई है। 7 अक्टूबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी। कार्बन डेटिंग को लेकर आज सुनवाई हुई है। मुंडे मुंडे मत भिन्ना, यह तो हिंदू समाज यही तो अभिशाप है। हम अभिशाप यही कारण तो हिंदू दशा की ये है। आज स्पष्ट हो गया माननीय जिला जज में जो है, उन्होंने जो हरिशंकर जैन जी विष्णु शंकर जैन जी जो दाखिल किए थे, स्पष्ट था कि कार्बन डेटिंग के अतिरिक्त ASG या और वैज्ञानिक प्रण जो माननीय न्यायालय उपयुक्त समझे। साफ साफ है, माननीय न्यायालय के ऊपर कहा गया है कि माननीय न्यायालय यह स्वयं तय करे कि वह किस प्रणाली से यह का जो है मानुष्य जो शिवलिंग है या उसके परिसर में जो है जो कार्बन डेटिंग उसका कार्बन डेटिंग करे या जो अन्य प्रणाली जाँच हो से वह करे। यह कार्बन डेटिंग को ही जोर नहीं दिया गया था, लेकिन उनका कहना है, एक पक्ष का यह कहना है कि यह मूर्तियों से छेड़छाड़ होगी। साफ साफ उसमें लिखा गया है कि मूर्तियों से छेड़छाड़ नहीं, कोई भी उसमें जो है छेड़छाड़ नहीं होने के कारण जो है। तो पक्षकार सोहनलाल को सुन रहे थे आप, ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में पक्षकार हैं, लेकिन ये मामला आज कार्बन डेटिंग को लेकर था। हिंदू पक्ष में ही कार्बन डेटिंग को लेकर दो मत हैं। एक पक्ष ये चाह रहा है कि कार्बन डेटिंग या किसी वैज्ञानिक तकनीक के सहारे ये पता लगाया जा सके कि जो शिवलिंग है वो कितना पुराना। राखी सिंह दिल्ली की है ना, हम लोग काशी की है, काशी में भगवान का पूजा जाता है। उन लोग में बिसेन भगवान का भक्त नहीं है, राखी सिंह भगवान के, हम लोग काशी की है, चारों लोग काशी है, हम लोग ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण लोग अहमियत जानते हैं भगवान को कितना, भगवान को छेड़ा नहीं जाता है। हम लोग कार्बन डेटिंग जो अगल बगल दीवार है माँ अर्घा, जो अर्घा है माँ का, उसके लिए हम लोग कार्बन डेटिंग कर रहे हैं। और हम लोग रेडियो मैट्रिक पद्धति द्वारा ही हम चाहते हैं, ना कि हम लोग शिवलिंग को तोड़ फोड़ करके। राखी सिंह गलत कह रही है, क्या गलत कर रहे हैं राखी सिंह? राखी सिंह पहले अपना केस विड्रॉ की, फिर उसके बाद आज बोली हम लोग के विष्णु शंकर जैन जी जब हम कार्बन डेटिंग की बात किए तो उनका वकील विड्रॉ किए। आज हमने इस मामले में एप्लीकेशन दी थी कि जो वहाँ पे कमीशन की कार्रवाई के दौरान 16 मई को शिवलिंग मिला है, उस शिवलिंग की साइंटिफिक जांच की जाए और ASI के द्वारा एक कमीशन जारी किया जाए। ऑर्डर 26 रूल 10A में ये CPC में कोर्ट को पावर है कि वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जारी कर सकता है। हमारी एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है कार्बन डेटिंग या अन्य प्रक्रिया जो भी ASI अडॉप्ट करना चाहे, तो इस चीज़ के लिए ASI एक्सपर्ट है। तो हमने माननीय न्यायालय से ये आवेदन किया है कि एविडेंस एक्ट की सेक्शन 45 के तहत माननीय न्यायालय एक्सपर्ट ओपिनियन बुलाए और इसके लिए कोर्ट एक्सपर्ट कमीशन बैठा सकता है। इस पर माननीय न्यायालय 7 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा हमारी एप्लीकेशन। और राखी सिंह ने और मुस्लिम पक्ष ने मिलकर कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक, सिर्फ कार्बन डेटिंग नहीं है, मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूं, बहुत भ्रम फैलाया गया और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस भ्रम को क्लियर करिए। कार्बन डेटिंग एप्लीकेशन में लिखा है और अदरवाइज, कार्बन डेटिंग या और अदरवाइज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो सिर्फ कार्बन डेटिंग को पकड़ लिया गया और ये बताया गया कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। शिवलिंग की किसी ने कार्बन डेटिंग नहीं मांगी है। कार्बन डेटिंग जो शिवलिंग के नीचे अर्घा है, जो वहाँ पे मिट्टी है, सॉयल है, जहाँ पे वाटर कंटेंट है, कार्बन कंटेंट है, उसकी कार्बन डेटिंग मांगी गई है। तो जब हमने एप्लीकेशन दी है, कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन है जिसमें शिवलिंग की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साथ ही साथ जो उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मांगा गया है और उसमें सजेशन में कार्बन डेटिंग एक मेथड हमने सजेस्ट किया है। अब इसके एक्सपर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो आएगी, अपनी बात वो रखेगी और अपने हिसाब से इसका सर्वे करेंगे। आसपास के इलाके शिवलिंग को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते भैया, फिर उसके लिए मैं उनका प्रेयर पढ़ देना चाहूंगा। उसके लिए देखिए, टू मेक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बाय कार्बन डेटिंग और अदरवाइज टू डिटरमाइन द एज, नेचर एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ शिवलिंगम, ये लिखा है इनके प्रेयर में पेज नंबर 6 पर। ये स्पष्ट बता रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं एज डिस्कवर्ड ऑन 16/5/2022, मतलब 16/5/2022 को शो शिवलिंग मिला था, उसके एज को डिटरमिनेशन करने के लिए या तो कार्बन डेटिंग से या किसी अन्य साइंटिफिक मेथड से इसका टेस्ट किया जाए। अब हमको ये समझ में नहीं आता है कि आप स्वयं अपने अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहे हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं, कौन मिला हुआ है, ये समझ में आ रहा है? हम तो बात तर्कसम्मत कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ राजनीतिक बात करना है तो राजनीतिक बात पर, राजनीतिक मंच पर भी हम जवाब दे देते हैं। अनुपम जी, जिस केस को आप लोग मिलकर लड़ रहे थे, अब अगर हिंदू पक्ष में ही इस तरीके का मनमुटाव आ जाएगा तो आखिर ये केस कहाँ जाएगा फिर? देखिए, ऐसा है, मेरा कोई मनमुटाव नहीं है, मैं आपको बार बार ये बात स्पष्ट कर दे रहा हूँ, मेरा कोई मनमुटाव, कोई तकरार नहीं है। जो भी विधि सम्मत, तर्क सम्मत और धर्म सम्मत बात होगी, हम उसमें उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे।
लेकिन जहां हमारे आस्था को चोट पहुंचेगी, जहां हमारे आराध्य देव के क्षरण और उनके खंडन का सवाल आएगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये आस्था का मुकदमा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आज अंजुमन कमेटी के वकील ने ये कह दिया कि राकेश सिंह के वकील अनुपम जी सारी बात कही रहे हैं, हम लोग कुछ कहने की जरूरत तक नहीं है, उन्होंने यहां तक कहा इस बात। नहीं देखिए, ऐसा है ना कि अब ये तो उनका तर्क है कहने का तरीका, ऐसा इस तरह की कोई बात न्यायालय में नहीं हुई, ठीक है। अब ये तो एक तरीका है प्रेजेंट करने का ना कि भाई नरोवा कुंजरोवा, ठीक है, ये उनका एक तरीका है बताने का। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ जो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इसमें जो ऑब्जेक्शन आया था वादी संख्या एक की तरफ, उसके कंटिन्यूअस में हम ये बात कह रहे हैं, बस इतनी सी बात कही गई है। ये नहीं कहा गया कि हम उनका समर्थन करते हैं कि क्या करते हैं। पहली बात ये है कि कार्बन डेटिंग या कोई भी साइंटिफिक मेथड हमको ये बता दे, एक्सपर्ट ओपिनियन मंगा ले, न्यायालय उसको, माननीय न्यायालय उसको जो है कंसिडरेशन दे ले कि किस क्या कौन सा ऐसा टेस्ट है जो बिना छुए या बिना केमिकल या बिना किसी अन्य तरीके से, इवन रेडियो लेजर जो रेज होती हैं उसके बिना भी कोई टेस्ट हो जाए तो बता दे। हम अब 7 अक्टूबर को जो डेट पड़ी है उसमें क्या होने वाला है, क्या कहा? आदेश आना है, उसमें आदेश आना है। इसका आदेश आना, आदेश इस पर आना है कि वेदर ये जो कार्बन डेटिंग या अन्य साइंटिफिक मेथड से जो टेस्ट होना है इसको कराया जाना है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, 256 का जो हमने एप्लीकेशन दिया था प्रिजर्व करने के लिए मूर्तियों को, जो कारमाइकल लाइब्रेरी मिली थी, उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने रिपोर्ट मंगाने के लिए कहा है। और जो 110 की तरह पक्षकार बनने की बात थी उस पर क्या सुनवाई नहीं हुई, उस पर आज सुनवाई नहीं हुई। यानी कि 7 तारीख बहुत अहम दिन मान रहे हैं? बिल्कुल 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 अहम दिन होगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे आराध्य देव का अपमान न हो किसी तरीके से। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये अनुरोध करता हूँ कि आराध्य देव का अपमान होने से बचाइए, अपमान नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। तो ये थे अनुपम द्विवेदी जो कि राखी सिंह के वकील थे, वो ये कह रहे हैं कि वो शिवलिंग को क्षतिग्रस्त होने से बचाना चाहते हैं। उनका ये दावा भी है कि विष्णु शंकर जैन जो बात कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि लिखित रूप से कार्बन डेटिंग की मांग विष्णु शंकर जैन ने की थी। हालांकि अब 7 अक्टूबर को कोर्ट ये तय करेगी कि किस तरीके से जांच कराई जाए, कौन सी विधि होगी जो जांच की वहां पर की जाएगी, ताकि जो वहां का आयु है जो से शिवलिंग बात बताया जा रहा है उसकी बात सामने आएगी। हालांकि दूसरा पक्ष लगातार अभी भी शिवलिंग को फवारा ही कह रहा है, पर जिस तरीके से हिंदू पक्ष 2 भागों में बंट गया है उससे लगातार कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। तो हमारे सहयोगी सुशांत की रिपोर्ट देखिए, आपने दोनों पक्षों का जिक्र भी सुना, दलीलें सुनी कि आखिर एक तरफ जो राखी सिंह वादी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि यहां कार्बन डेटिंग या कोई भी तरीका करके इसका सर्वे न किया जाए, इससे शिवलिंग का क्षरण होगा। दूसरी तरफ दावा यह है कि इससे आयु पता लगाई जाएगी।